हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिलीशियस फूड किचन में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड रोल विद पोटैटो फिलिंग। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेड रोल बनाना। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 10 से 11 उबले आलू जिनको छील लिया है, इनको हम मैश करके यूज़ करेंगे। और 2 से 3 मुट्ठी मटर, ये मुलायम मटर हम यूज़ कर रहे हैं। 9 से 10 ब्रेड यूज़ करेंगे। 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट, 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 छोटा चम्मच नमक या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला यूज़ करेंगे। और रिफाइंड ऑयल यूज़ करेंगे पकौड़ों को फ्राई करने के लिए। वेजिटेबल्स आप टेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक कढ़ाई गरम, उसमें ऐड किया तेल, तेल में ऐड किया हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट और इनको हम 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। तो ये अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड कर दिया, धनिया पाउडर ऐड कर दिया, लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया। इसको भी हम लो फ्लेम पे कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। तो ये भी अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे मटर, मटर हम मुलायम वाली यूज़ करेंगे। तो मटर को भी 5 से 6 मिनट तक पका लिया। तो 5 से 6 मिनट हो गए तो मटर को ऐसे प्रेस करके हम मैश कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे मैश किए हुए आलू, फिर नमक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए, फिर 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। आप यहाँ पे चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इस मिक्सचर को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो 5 से 6 मिनट हो गया है, फिलिंग बिल्कुल रेडी है। तो इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और अब यहाँ पे मैंने 1 ग्लास पानी गरम कर लिया, उसमें ऐड किया 1/2 चम्मच नमक। और पानी को हम बहुत ज़्यादा गरम नहीं करेंगे, सिर्फ गुनगुना गरम करेंगे। तो पानी को साइड में रख लिया अच्छे से गरम करके। और यहाँ पे अब जो ब्रेड है उनके कॉर्नर्स को हम कट कर लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं कट करना चाहते हैं तो ना करें। बट जो ये कॉर्नर्स है उसकी रेसिपी को का लिंक मैं यहाँ पर शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, 1 ब्रेड के कॉर्नर को कट कर लिया। सेम इसी प्रोसेस से सारे कॉर्नर्स को हम अलग कर लेंगे और कॉर्नर्स को अलग रख देंगे। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रोल बनाना। तो 1 ब्रेड लिया, उसको पानी में डिप किया और तुरंत निकाल लेंगे। और फिर ऐसे हल्के हाथों से प्रेस करके जो एक्स्ट्रा पानी है उसको बाहर निकाल लिया, उसमें ऐड किया आलू और ऐसे चारों तरफ से उसको कवर करके ऐसे हल्के हाथों से दबाते हुए हम राउंड राउंड कर लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और इसको हम एक सिलेंड्रिकल शेप दे देंगे। शेप आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, यहाँ पे मैं सिलेंड्रिकल दे रही हूँ, आप राउंड भी दे सकते हैं। तो देखिए, एक और बनाते हैं। इसको भी ब्रेड को पानी में डिप किया, तुरंत निकाला, देखिए थोड़ा सा टूट गया है बट हमने इसको ऊपर रख के फिर से अच्छे से पानी निकाल लिया, आलू ऐड किया कॉर्नर पे और चारों तरफ से कवर करके ऐसे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। तो अगर आलू दिख रहा हो तो हल्का हल्का साइड से ब्रेड लेके आप ऐसे प्रेस करके इसको राउंड शेप दे दिया। तो ऐसे एक सिलेंडर शेप बना लिया। तो देखिए, हमारा जो ये रोल है ये रेडी है। तो ऐसे करके हम सारे रोल्स को रेडी कर लेंगे। तेल गरम किया, तेल बिल्कुल अच्छे से गरम हो गया, उसमें ऐड किया रोल्स को और अब इन रोल्स को हम गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा पलटे की हेल्प से जो रोल्स हैं उनके ऊपर तेल डालेंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छे से गरम हो जाए। तो देखिए, अब देखते हैं, तो एक तरफ से ये हल्के लाइट ब्राउन हो गए हैं तो इनको हम पलट देते हैं। और सेम इसी प्रोसेस से हम जो रोल्स हैं उनको चारों तरफ से फ्राई हो जाने देंगे। तो रोल्स हमारे बिल्कुल अच्छे से लाइट ब्राउन हो गए हैं, इनको हम किचन नैपकिन पे निकाल लेते हैं। और इस रोल को आप हरी चटनी या फिर टमाटो सॉस के साथ सर्व करें। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।